लेते हैं। रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल, कहते हैं एक फाइल से आपने एक स्ट्रिंग रीड आउट करना है और प्रिंट इट ऑन दिस कंसोल, आउटपुट डिवाइस पर उसको डिस्प्ले करना है। उसके बाद न्यू लाइन पे उसको हर स्ट्रिंग को आपने अलग अलग प्रिंट करवाना है, क्योंकि फाइल में मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगे, पैराग्राफ पूरा होगा। और इसमें इस प्रोग्राम को करने के बाद आप नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप कितने करेक्टर्स उसको, जो भी आप स्ट्रिंग वहाँ से निकाल के लाएंगे, एक वर्ड के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको भी स्कैन कर सकते हैं। बाकी स्ट्रिंग हैंडलिंग का पूरा एक लेक्चर आपके साथ डिलीवर किया था मैंने, वो अगर आप उसको देखा होगा या पढ़ा होगा किसी ने, तो सिंपल टास्क है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 22 का जो पेपर है हमारा, वो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे के सारे पॉइंटर में से है, पॉइंटर का लेक्चर भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, शायद कुछ लोगों ने मिस कर दिया हो, और रिकॉर्डिंग भी मैंने एक शेयर की हुई है प्रीवियस पेपर्स की, तो ज़रा केयरफुली आपने देखना है। सबसे पहले तो हम देखें, यहाँ पे एक सिंपल एक फाइल ओपन करेंगे, उसके अंदर से स्ट्रिंग हम उठाएंगे और उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपने प्रोसेस परफॉर्म करना है उसकी लेंथ कितनी है वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द लाइन UF करेक्ट होता है फाइल के अंदर, उस तक हम ये पढ़ते जाएंगे फाइल को। जी बेटा, सबसे पहले इंक्लूड stdioc का हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, स्टूडियो हेडर फाइल आपने ऐड की है। उसके बाद स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल की है, इसके हमने स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, बिल्ट इन हेडर फाइल है ये। उसके बाद क्योंकि फाइल से रिलेटेड काम करना है तो फाइल का एक पॉइंटर हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले FILE कैपिटल आप लिखेंगे, उसके बाद स्टेरिक लिखेंगे और पॉइंटर का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने FPP लिखा है, मतलब फाइल पॉइंटर के नाम से। आप PT लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हैं, लेकिन स्टेरिक साथ में लाजमी है बिकॉज द फाइल पॉइंटर किसी फाइल को पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, इसको हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। STR मैंने उसका नाम रख लिया है, CHR 4 उसकी टाइप है। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा विजिबल हो जाए। सिंपल प्रोग्राम है, हर बच्चे को समझ आएगा, और कोई भी प्रोग्राम आप आ जाता है आपको अनसीन, तो आप परफॉर्म कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी करेक्टर स्ट्रिंग आपने लिया, इसमें अगर सिंपल अगर यहाँ तक हम रख रहे हैं ये ना मेंशन करें तो दैट इज़ अ सिंगल करेक्टर, ठीक है, CHR 4। अगर हम साथ में उसको स्क्वायर ब्रैकेट दे के लेंथ साइन कर देते हैं तो इट मीन्स कि ये करेक्टर रे बन जाती है या फिर स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो पॉइंटर बनाया था FPT उसको साइन कर दिया, एलोकेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया एफ ओपन फंक्शन के जरिए। डी पे हमारे एक फाइल पड़ी हुई है, न्यू के नाम से उसका नाम रखा है। प्रोग्राम जो पेपर में आया हुआ उसमें डिक्शनरी का नाम रखा हुआ है, मैंने न्यू की फाइल बनाई है, और ये न्यू की फाइल भी आपको शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास न्यू की एक फाइल पड़ी हुई है ये, ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। और जी ये हमारी न्यू फाइल है, इसमें हमने कुछ लिखा होगा, NEW न्यू, नोटपैड की फाइल है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है, मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि हमने ए के ऊपर प्रिपरेशन लगाना है, उसके बाद बी पे सी पे, तो ए वाले मैंने ले लिए, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, उसके बाद आसिफ अब्दुल्ला। अब अल्लाह एक डिफरेंट वर्ड है या एक स्ट्रिंग है, उसके बाद स्पेस है, फिर एक इज़ एक स्ट्रिंग है, उसके बाद स्पेस है, फिर वन एक स्ट्रिंग है, डॉट है उसके बाद लगा हुआ, फिर एंटर किया हुआ है, अल्लाह इस वन, इसी तरह अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। एक वक्त में एक स्ट्रिंग हम पिक करेंगे, मतलब अल्लाह पिक करेंगे, फिर हम एज पिक करेंगे। तो इसी लॉजिक को देखते हुए आप इसमें नंबर ऑफ वर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कितने वर्ड हैं। उसके बाद अगर आप एंटर को इस्तेमाल करते हो तो नंबर ऑफ लाइन्स भी आप काउंट कर सकते हैं, और एंटर का जो करेक्टर होता है वो 13 होता है बेसिकली ना, जो आस्की कोड है उसका, और उसकी मदद से। प्लस हमारे पास इसमें तीन करेक्टर अगर हम देखें, तीन वर्ड जो हैं ये स्ट्रिंग अल्लाह अल्लाह और आसिफ अब्दुल्ला, ये हमारे पास ऐसे हैं जिसमें डबल ए आ रहा है, और डबल ए के बाद हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें ट्रिपल ए आ रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि जो ए वाले हैं वो किस तरह से हमने वहाँ से फाइंड आउट करने हैं। जी नेक्स्ट अगर हम शेयर करते हैं अपने कोड की तरफ चलते हैं, तो ये कोड है हमारे पास, यहाँ तक हम पहुँचे थे। FPT फाइल पॉइंटर है, एफ ओपन फंक्शन से आपने फाइल को ओपन कर लिया, डी ड्राइव पे फाइल पड़ी है, न्यू डॉट txt उसका नाम है, आर मतलब रीड मोड में हम उसको ओपन कर रहे हैं, वहाँ से कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद वाइल लूप चलेगी, और वाइल लूप तब तक चल जाएगी जब तक हमारा कोड मतलब वहाँ पे एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, या वहाँ पे स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाता फाइल में से। स्कैनर फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है जो कि कीबोर्ड से इनपुट लेता है, जबकि एफ स्कैनर जो है वो
रीड करता है फाइल में से जाके। उसके बाद इसके तीन आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा फाइल का पॉइंटर होगा जिसका नाम हमने FAT रखा था। उसके बाद नंबर सेकंड पर अगर हम देखते हैं तो इसमें स्ट्रिंग परसेंट एस है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो स्ट्रिंग उठा के लाएगा वहां से, और STR स्ट्रिंग के अंदर इसको पुट कर देगा, ला के रख देगा। ये पॉइंटर है जो जाएगा। उसके बाद STR एक स्ट्रिंग को पिक करेगा और STR हमारे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में आके स्टोर कर देगा उसको। इक्वल टू वन का मतलब है कि अगर वहां पे कोई स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, एंड ऑफ फाइल नहीं है, मतलब लास्ट कैरेक्टर नहीं आ गया फाइल का, तो ये लूप हमारी चलती रहेगी। मतलब ये रिटर्न करेगा वन अगर डाटा पड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग आ गया हमारे पास तो इज इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आएगा। और यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, परसेंट एस आपको समझाने के लिए, ये भी टारगेट प्रोग्राम हम नहीं कर रहे, वो नीचे सॉल्व किया हुआ है। तो एस मतलब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, STR है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। मतलब हम पता चल जाए कि वाकई डाटा रीड किया गया फाइल में से और STR में पड़ा, तो वो क्या प्रिंट करता है ला के, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग ला के फाइल में से प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आपको लेंथ का भी पता हो ताकि आप उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली लूप चला के बाद में उसको स्कैन कर सकें, ABC अगर कोई भी चीज़ उसमें से स्कैन करनी है, कोई भी करेक्टर फाइंड करने हैं, उनकी तादाद फाइंड करनी है, जो भी फाइंड करना है आपने। तो हमारे पास एक वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर LEN लेंथ के नाम से। उसके बाद STR लेंथ बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का, और उसको हमने पास कर दिया STR। मतलब STR जो भी स्ट्रिंग उठा के लाया है जो हमारी फाइल में अल्लाह पड़ा हुआ था ALLAH, तो उसकी लेंथ बता के फाइंड आउट करेगा और यहाँ पे LEN वेरिएबल में स्टोर कर देगा। प्रिंट एफ हमारा LEN को प्रिंट कर देगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हम स्ट्रिंग लाए थे वो क्या था और उसकी लेंथ क्या थी। इसको हम अगर हम उठाते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमें फर्दर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी मैं कोड ब्लॉक ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और हमारी फाइल ओपन है ऑलरेडी, उसको देखते हैं कि वो क्या करता है उसके साथ। जी प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी हमने अंडरस्टैंड किया है। सबसे पहले STDIO हेडर फाइल है सी लैंग्वेज की, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल है जो कि हम स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फाइल पॉइंटर लिया गया स्टेरिक FAT नाम उसका रखा गया, एक करेक्टर स्ट्रिंग लिया गया, या करेक्टर रे हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, उसकी लेंथ 10 होगी FAT। इसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, 10 भी 15 भी 25 भी, अगर लेंथ ही स्ट्रिंग है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास FAT फाइल का पॉइंटर अटैच किया गया है, ओपन करके फाइल को ओपन करके, उस फाइल का नाम न्यू है डॉट टेक्स्ट फाइल है और रीड मोड में ओपन की जा रही है। नेक्स्ट मैंने बोला कि वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और कब तक ट्रू रहेगी, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। अगर एंड ऑफ फाइल आ जाता है तो ये फंक्शन हमारा 0 रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, लूप टर्मिनेट होगी हमारी। ठीक है, एफ स्कैन एफ एंड ऑफ फाइल, फाइल का आखिरी करेक्टर होता है जो कि फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर होता है। और एफ स्कैन एफ फंक्शन फाइल को फाइल में से स्कैन करेगा, डाटा रीड करके लाएगा, उसके बाद क्या रीड करके लाएगा, फाइल का पॉइंटर जाएगा FAT जो फाइल के साथ हमने अटैच किया है। उसके बाद एक परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के लिए, स्ट्रिंग वहां से उठाएगा
और str वेरिएबल मिला के उसको कॉपी कर देगा, स्टोर कर देगा मेमोरी के अंदर। और इज इक्वल टू वन मतलब डेफिनेटली पहली दफ़ा अल्लाह वहाँ से पिक किया जाएगा, रीड किया जाएगा और वो इक्वल टू वन होगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी उससे आगे और फर्दर स्ट्रिंग पड़े हुए एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं है, बॉडी के अंदर लूप आ जाएगी, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट एफ परसेंट एस हमारा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में जो भी रखा है स्टोर किया रीड करके फाइल में से वो आके प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद हम उसी जो स्ट्रिंग हमने कॉपी किया उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का फंक्शन है और एल ई एन वेरिएबल का नाम हमने रखा है। उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर उसमें पड़े हुए। इस तरह का प्रोग्राम भी कोई आ सकता है कि आप स्ट्रिंग रीड करें उनकी लेंथ बताएं कि कितने कितने कैरेक्टर हर स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल हैं या पड़े हुए हैं। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास तीन चार स्ट्रिंग, ये देखें ALL AH स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है जी, पहले अल्लाह प्रिंट हुआ, उसके बाद फाइव प्रिंट हुआ, मतलब इसमें पहला स्ट्रिंग कौन सा है अल्लाह, उसके बाद फाइव के मतलब उसकी लेंथ फाइव करेक्टर्स थी। फिर इस वहाँ से उठाया गया, वो भी एक स्ट्रिंग है, टू करेक्टर्स हैं, वन उठाया गया और साथ में डॉट भी था, वो कलेक्शन फैक्टर फोर हो गया हमारे, फोर लेंथ प्रिंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन पे अल्लाह था, फाइव प्रिंट कर रहा है, एज टू प्रिंट कर रहा है, वन फोर प्रिंट कर रहा है, उसके बाद आसिफ अब्दुल्ला 12 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि हमारा फाइल को ओपन कर रहा है, एफ स्कैनर फंक्शन को यूज करके वहां से डेटा उठा रहा है स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग और उसको ला के प्रिंट। अब अगर ये प्रोग्राम आपको आ जाता है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ के लिख लेते हैं, इसको वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको लिख के साथ साथ देखें और प्रिपेयर कर लें इसको। अगर ये चीज़ आपको आ जाती है तो आप इसमें से किसी भी तरह का प्रोग्राम आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स हैं, उसके अंदर अगर हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करके हर स्ट्रिंग को लेके उसके अंदर लूप चला लें तो उसमें करेक्टर को भी स्कैन कर सकते हैं कि उस स्ट्रिंग में ए करेक्टर है, बी करेक्टर है, कितनी दफ़ा आया है, वो सारा कुछ इसमें हो सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारे पेपर में आया है टारगेटेड प्रोग्राम, उसको देखते हैं कि उसमें उसने इसी प्रोग्राम को यूज़ करके या इसी चीज़ लॉजिक को यूज़ करके सिंपल सा ट्विस्ट दिया है और हमें पूरा प्रोग्राम अचीव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे ये सारा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, पढ़ाया कुछ नहीं गया, ये वो फला फला। लें जी चलते हैं टारगेट हमारा नेक्स्ट वाला। स्ट्रिंग का पूरा टॉपिक मैंने आपको करवाया था, फाइल हैंडलिंग का करवा दिया था, अब थोड़ा बहुत जो आपने करना होता है, जो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं टारगेट हैं उसके लिए थोड़ा सा आपने इंटरनेट एक्सप्लोर करना होता है। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कहीं भी नहीं आएगा और ना ही एज इट इज़ ये प्रोग्राम पेपर में आएंगे। लॉजिक आपने बिल्ड करना है, करंटली आपने बैठ के वहाँ पर प्रोग्रामर बिहेव करना है पेपर में और फिर आप इसको फिल कर सकते हैं। राइट, सिंपल टास्क नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल टास्क है जी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जो कि हमारा पेपर में आ चुका हुआ है, जिसको हम देखते हैं कि इसमें क्या था। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने परफॉर्म किया है, इसको हम पहले इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट कर लें, फाइल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन टू है, पार्ट वन है, इसमें एसटीडीआर हेडर फाइल है, स्ट्रिंग हेडर फाइल है, उसके बाद मेन फंक्शन है, फाइल कैपिटल लिखना है, डॉट पॉइंटर हमने बना लिया FPT के नाम से, 10 का स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ तक सेम कहानी चल रही है। उसके बाद WC लिया है, वर्ड काउंट करने हमने, उसमें जीरो स्टोर करवाया स्टार्ट पे कि कितने वर्ड्स हैं जिनमें ए जो है वो दो दफ़ा आ रहा है। उसके बाद फाइल पॉइंटर अटैच किया गया FPT के नाम से, एफ ओपन की हमने फाइल, यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा फाइल का नेम वो लिखना है, लाइक जो क्वेश्चन पेपर में डिक्शनरी लिखा हुआ है डिक्शनरी डॉट टेक्स्ट, तो आपने डिक्शनरी डॉट टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे सेम फंक्शन स्कैन एफ, स्कैन एफ है, एक स्ट्रिंग उठा के लाएगा, उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर लेगा और AC मतलब ए को हम काउंट करें कि ए कितनी दफ़ा, ये जो स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी होके आया है उसमें ए कितनी दफ़ा है, अगर तो दो दफ़ा होगा तो उसको हम प्रिंट भी कर देंगे और उसको काउंट भी कर लेंगे कि उसमें ए जो है वो दो दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे करना है, फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग को बताया था कि अरे का जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और लेंथ से कम रहेगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, अगर वो पाँच करेक्टर है तो चार तक उसको स्कैन करेगा, एक जीरो पे पड़ा होगा और एक थ्री पे पड़ा होगा, जीरो वन टू थ्री मतलब चार करेक्टर टोटल होंगे। तो ये लूप हमने चला ली इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करते हुए।
उसके बाद अगर हमने कहा इफ स्ट्रिंग इनटू आई, मतलब पहला करेक्टर अगर ए है या फिर और ऑपरेटर है str i पहला करेक्टर स्मॉल ए है, तो आप ए सी मतलब ए को काउंट कर लो प्लस प्लस के, उसमें एक ए एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस लूप के अंदर इफ कंडीशन जितनी दफा एग्जीक्यूट होगी या जितनी दफा ट्रू होगी उतनी वैल्यू हमारे ए सी की होगी। ये बता देगा कि इस पहले स्ट्रिंग में ए कितनी दफा आया है। ठीक है जी, ये छोटा सा लॉजिक है और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, नई चीज कोई नहीं है, सारा कुछ पुराना पड़ा हुआ है आपने। तो सिंपल क्या है, स्टार्ट किया आपने पहले तो लेंथ फाइंड आउट कर ली, उसके बाद उस लेंथ तक हमने लूप चला दी, स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है जो जहाँ से हमने कॉपी करके रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, और उसका हर करेक्टर को हमने स्कैन कर लिया ए के साथ कि अगर कैपिटल ए है या स्मॉल ए है तो यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दो। अब जब ये लूप खत्म होगी तो स्ट्रिंग हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। नीचे हमने लिखा है इफ अगर ए सी, अगर हमारे ए की तादाद, ए का काउंट 2 के बराबर है, मतलब उसमें ए 2 दफा आया है, तो हम उस वर्ड को काउंट कर लेंगे, मतलब डब्ल्यू सी प्लस प्लस के, डब्ल्यू सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्टार्ट पे 0 थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको 1 कर लिया, मीन्स के एक करेक्टर हमारा, एक वर्ड हमारे पास ऐसा आ गया है जिसमें ए 2 दफा एग्जिस्ट कर रहा है। यही लूप बेटा जी रिपीट होती जाएगी, ये वाइल लूप अभी हमारी चल रही है, उसके अंदर हमने फॉर लूप यूज की है और इफ कंडीशन हमने यूज किया एक एक करेक्टर को स्कैन करने के लिए। जब ये लूप खत्म हो गई यहाँ पे आके, तो फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो हमने स्ट्रिंग स्कैन किया है क्या उसमें ए 2 दफा है। अगर तो 2 दफा है तो हमने वो वर्ड काउंट कर लिया कि वो वर्ड जो है वो उसमें ए 2 दफा है। जितने भी वर्ड जिस तरह के आएंगे पूरी फाइल के अंदर, इस वाइल लूप के अंदर अंदर एंड ऑफ फाइल तक, वो ये काउंट करता जाएगा और प्रिंट एफ हमारा उन वर्ड्स को प्रिंट भी करता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारी वाइल लूप एंड हो गई है, इधर वाइल लूप कंप्लीट हो गई है, एंड ऑफ वाइल। जब वाइल लूप कंप्लीट होगी इसका मतलब है कि हमारे सारे एंड ऑफ फाइल आ गई है और हमारे पूरे करेक्ट जो वर्ड्स थे या स्ट्रिंग थे वो खत्म हो गए हैं। फाइनली लास्ट पे आपने नंबर ऑफ वर्ड्स दैट हैव 2 ए और ए, तो डब्ल्यू सी को आपने प्रिंट करवा देना है, उन वर्ड्स की तादाद जिनमें ए 2 दफा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसको हम करते हैं स्कैन, कॉपी करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उस फाइल के अकॉर्डिंगली सही चल रहा है या नहीं चल रहा। कॉपी, तो बेटा जी कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल चीजें हैं सारी, जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग वाली जी, सारे का प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया, आप देख लें जरा कि यहाँ पे फाइल पॉइंटर है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके बाद वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट की तादाद काउंट करेंगे हम लोग, एफ ओपन फंक्शन हमारे पास जो कि फाइल को ओपन करा रीड मोड में, उसके बाद हमने स्ट्रिंग कॉपी कर लिया एक, और ये लूप चलती रहेगी जब तक एंड ऑफ फाइल करेक्टर नहीं आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट, स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, एक वेरिएबल और ले लिया जिसमें ए को काउंट किया जाएगा हर वर्ड या स्ट्रिंग के अंदर, ये हमारा स्ट्रिंग चेक हो रहा है, ये काउंटिंग हो रही है, और अगर ए की तादाद ए सी ए की तादाद 2 ही रहती है, ए का काउंट 2 है, तो उस वर्ड को काउंट कर लिया जाएगा और उस वर्ड को प्रिंट भी करवा दिया मैंने एहतियातन। साथ ही हमने फाइनली लूप खत्म करने के बाद इसको नंबर ऑफ करेक्टर्स भी प्रिंट करवा दिए हैं जी, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये जी प्रोग्राम रन हो रहा है और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास
जी, ये आपके साथ इसकी आउटपुट में शेयर कर रहा हूँ। ये देखें जी, हमारे पास इसने लिखा है अल्लाह वहाँ से फैच किया पहली लाइन से, फिर अल्लाह फैच किया पहली लाइन से, जिसमें दो दो ए थे हमारे पास, और फिर फाइनल लिखा नंबर ऑफ वर्ड्स दैट हैव टू ए और ए इन इज इक्वल टू टू। ठीक है।